स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 की, और उसमें क्वेश्चन फर्स्ट को हम रीड करेंगे और उसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसकी इक्वेशन को, एंड देन सोल्व करेंगे इक्वेशन को ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो रीड करें तो क्या है कि अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना जो है वो कोई एक नंबर थिंक करती हैं, लेट द नंबर इज एक्स, लेट नंबर बी एक्स, एंड अब क्या करना है उसमें सबट्रैक्ट 5/2, उस एक्स में से 5/2 सबट्रैक्ट करना है। फिर आगे जो लिखा है उसे पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते जाएंगे। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, उस रिजल्ट को वो मल्टीप्लाई करती हैं बाई 8 से, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई 8 से। द रिजल्ट इज नाउ ऑब्टेन, अब जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 3 times the same number, तो 3x हो जाएगा, सेम नंबर x है। तो इस तरह से एक हमें इक्वेशन मिल गई। अब क्या चाहिए, वाट इज़ द नंबर, अब जो वो नंबर उसने थिंक किया था वो क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि वो नंबर क्या है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 8 × 5/2 इज इक्वल टू 3x हमारे पास है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 8 और 2 कट हो जाता है, तो कट होने से 2 टेबल से कट हो जाएगा, तो ये 1 time एंड दिस इज 4 time, तो क्या हो जाएगा 8x − 4 × 5, इट मीन्स 20 इज इक्वल टू 3x। अब हम क्या करें, ट्रांसफर्स मेथड को यूज़ कर लें। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये जो −20 है इसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ राइट साइड में, तो और ठीक वैसे ही मैं 3x का जो ट्रांसफ़र करूँगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर दोनों को मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और एक तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है हमें, 8x एज इट इज़ रहेगा, मेरा जो 3x है वो इक्वल टू के साइन के इस साइड आ गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा −3x इक्वल टू, एंड −20 था उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 20। अब जो इक्वेशन है इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व किस तरह से करेंगे, 8x − 3x लाइक टर्म है तो इन्हें सबट्रैक्ट कर लेंगे, 5x इज इक्वल टू 20, देन 5 का मैं बोथ साइड डिवाइडेशन कर लेता हूँ, डिवाइड बोथ साइड 5, तो 5 से तो 5 कट हो जाता है, इट मीन्स हमें x मिल जाता है, एंड 20/5 मिलता है आपको 4, तो x = 4 इज योर आंसर एंड अमेंडमेंट।